इन दिनों भारत और चीन के बीच लगातार तनाव देखा जा रहा है। दोनों देशों में लद्दाख के एक हिस्से में खींचतान देखी जा रही है। इसी बीच LSC पर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने क्षेत्र का दौरा कर सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया था। और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद वायुसेना के सीमा पर तैनात किए गए सुखोई MQ-30 और MiG-29 फाइटर जेट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनुक हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई थी। और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद सुखोई-30 और MiG-29 ने एयरबेस से उड़ान भरी और युद्धाभ्यास किया। इसके पहले भी भारतीय वायुसेना LAC पर अपना कमाल दिखा चुकी है। देश की वायुसेना का हर जवान पूरी तरह से प्रशिक्षित और तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सीमा के बीच चल रहे तनाव के बाद भी वायुसेना के फाइटर प्लेन्स ने अपना युद्धाभ्यास दिखाया। वहीं खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक भारत का दमखम देख चीन पीछे हट गया है। रिपोर्ट की माने दोनों ही सीमाओं पर लगभग 1.5 किलोमीटर तक पीछे हो चुके हैं सैनिक, जिसे अब बफर जोन बना दिया गया है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि इसके अलावा दो और जगह से भी चीनी सेना पीछे हटी है। साथ ही दोनों पक्ष अस्थायी ढांचे को भी हटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी में जहां चीनी सैनिकों ने अपनी सीमा पर आगे तक टेंट लगा दिए थे, उन्हें भी अब हटा लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीनी सैनिकों के हटने का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लिया है। बता दें कि इस झड़प के बाद से जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था, तो वहीं दोनों देशों की ओर से इस मामले को बातचीत कर सुलझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। चीन का पीछे जाना भारत की कामयाबी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।